अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की रेसिपी है सीख कबाब, जिसके लिए हमने ले लिया है आधा किलो कीमा, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक, 3 बड़ी हरी मिर्चें, 2 दरमियानी प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, 4 टेबलस्पून हम घी या ऑयल जो भी है आप इस्तेमाल करते हैं वो डालेंगे एंड में। इन सारी चीज़ों को आप कीमे के साथ डाल के, चॉपर है तो चॉपर में वरना कीमे वाली मशीन में डाल के इसको बारीक पीस लें। इसमें मसाले जो हैं, मैंने साबुत धनिया लिया है 1 टेबलस्पून और ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून। इन दोनों को मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसको हल्का सा पीस लीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। जी, कीमे पिसवा लिए, 2 दफ़ा मशीन से निकल चुका है और इसमें बाकी ये सूखा मसाला ज़ीरा और धनिया इसको हमने कूट लिया और कुटी हुई मिर्च, नमक और गरम मसाला ये हम इसमें ऐड कर देंगे सारी चीज़ों को। 4 टेबलस्पून घी भी डालेंगे और इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये सीख कबाब का बैटर तैयार है। हल्का सा पानी लगाएं हाथ पे, किसी भी सलाख पे आप इस तरह चढ़ा लें और इस तरह की शेप देके आप इसको इस तरह उतार लें और सारे इसी तरह बना लें। ये फ्राई करने के लिए घी हमने तवे में गर्म कर लिया और इस तरह हम डाल देंगे। फ्लेम इसकी स्लो रखेंगे और इसको टर्न करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। सीख कबाब फ्राई हो गए हैं, 15 मिनट लगे हैं तकरीबन, और ये कोयले का धुआं मैं दे रही हूँ ताकि वो ऐसा लगेगा जैसे हमने सीखों के पर उसको पकाया है। इसको ढक देंगे, 5 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और डिश आउट करेंगे। आज की रेसिपी हमारी तैयार है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।